हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टैक्स स्पिनर। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बात गैलेक्सी S23 FE के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ है। और सैमसंग ने इसके साथ तीन प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, मतलब टोटल 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ गैलेक्सी S23 FE, और उसके साथ इन्होंने FE बड्स लॉन्च करा है और टैब लॉन्च, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली S23 FE के बारे में बात करने वाले हैं, इसको कंपेयर करने वाले हैं S21 FE से, S20 FE से एंड S23 से। विल सी कि ये कहाँ पे फिट बैठ रहा है और क्या इसको लेना इस टाइम पे बेटर होगा। अगर आप नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें, राइट। अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो मेरे को डिज़ाइन इसका बहुत बढ़िया लग रहा है। दिस इज़ जस्ट लुकिंग लाइक S23। तो बेजल्स आपको थोड़े ज़्यादा लगेंगे कंपेयर टू S23, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। अभी पहले बेसिकली ये जो ऑफर कर रहे हैं ना, हम एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि S23 का ही डिजाइन फॉलो करता है S23। यहाँ पे ये चीज मेंशन भी करी गई है, टाइमलेस डिजाइन लेगेसी, और S23 टेक्स आफ्टर द आइकॉनिक डिजाइन ऑफ गैलेक्सी S23 सीरीज, दिस इज देयर। उसके बाद इन्होंने जो कलर्स लॉन्च करे हैं यहाँ पे, मिंट, ग्रेफाइट, क्रीम एंड पर्पल, सारे ही सारे बहुत ही ज्यादा सटल कलर हैं, अच्छे लग रहे हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, ये जो फोन है वो मेटल फ्रेम के साथ आता है, दैट इज अ गुड थिंग। ये हमारे सारे कलर्स हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दो स्पेशल कलर्स और लॉन्च हो रहे हैं, जो केवल एक्सक्लूसिवली आपको सैमसंग की वेबसाइट से मिलेंगे, और वो दो कलर ये हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, ड्यूरेबिलिटी की बात करें, तो जो S23 FE है वो हमारा IP68 रेटिंग के साथ आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 आता है। अब मैं इसके बारे में बात बताऊंगा कि किस तरीके से डाउनग्रेड है ये कंपेयर टू S21 FE, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ राइट कि ये कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। अब बात आती है मेन चीज़, कैमरा के बारे में। जो S23 जो FE सीरीज़ होती है सैमसंग की, उसमें कैमरा हमको अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, तो सेम चीज़ S23 FE के साथ भी कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ पर जो S23 FE का सेटअप है आप कैमरा का, वो देख सकते हैं। इनका जो फ्रंट कैमरा है वो सेल्फी 10 मेगापिक्सल का है, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, और जो वाइड एंगल कैमरा है दैट इज़ 50 मेगापिक्सल। और इन्होंने हमको ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करा है 3x, वो 8 मेगापिक्सल का है। अब इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के कि किस तरीके से इस कैमरा सेटअप को इम्प्रूव करा जा सकता था, या फिर क्या होता तो थोड़ा और बेटर होता, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें। अभी हम केवल ओवरव्यू देख रहे हैं एक तरीके से। इन्होंने नाइटोग्राफी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करी है, जिस तरीके से आपकी S23 सीरीज में आती है। सो दे आर सेइंग कि जो नाइट फोटोग्राफ्स होंगे आपके, वो बेटर निकल के आने वाले हैं। ये सारे आपको जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो S23 FE से लिए गए हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये भी S23 FE से ली गई है, और ये नाइट टाइम की वीडियो है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि डू नॉट लेट लो लाइट कंडीशंस होल्ड यू बैक, नाइट वीडियोज आर स्मूथ एंड स्टेडी इवन इन डार्क थैंक्स टू द नाइटोग्राफी सिस्टम। तो बेसिकली दे आर ब्रिंगिंग दी फेमस नाइटोग्राफी सिस्टम फ्रॉम दी S23 टू S23 FE, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेलकम चेंज, वी अप्रिशिएट इट। और उसके बाद यहाँ पे दे आर सेइंग दैट सेल्फीज आर गुड। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि जब हम कंपेयर करेंगे ना इसको, इस फोन को S23 FE को बाकी फोनों से, तो हम देखेंगे कि किस कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या चीज़ें हैं, वो तब पता चलेगा सारा भी देख के। बट दे सेइंग कि S23 FE के अंदर इन्होंने सेल्फीज को इम्प्रूव करा है। 50 मेगापिक्सल का जो आप यहाँ पे कैमरा सेंसर देख रहे हो, वाइड एंगल कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है, तो आप 50 मेगापिक्सल के शॉट्स भी ले सकते हो इस कैमरा से। सो दिस इज अ नाइस थिंग। दिस थिंग दे आर सेइंग फोटो रिमास्टर, इट इज़ प्रेजेंट इन मैनी सैमसंग फ्लैगशिप फोन्स एज वेल एज एफी फोन 21 FE, 20 FE। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पुरानी फोटो हैं आप उनको रिमास्टर कर सकते हो थ्रू सॉफ्टवेयर। तो ये पुरानी फोटो है, और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि रिमास्टर करा गया है सैमसंग सैमसंग S23 FE के थ्रू। और अब यहाँ पे बात आती है डिस्प्ले के बारे में। सो दे आर सेइंग कि जो डिस्प्ले है वो डायनेमिक एमोलेड 2X है, आईज के लिए कंफर्टेबल स्क्रीन है, इसमें ब्लू लाइट जो होगी कम होगी, और जो कलर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा विविड होंगे, और बहुत अच्छी डिटेल दिखने वाली है आपको अकॉर्डिंग टू सैमसंग, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले इन दिस फोन। अब हम बात करते हैं विजिबिलिटी की। इसके अंदर पीक ब्राइटनेस है वो इंक्रीज करी गई है, अराउंड 1400 nits की इसके अंदर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, विच इज़ डेफिनेटली अ बूस्ट फ्रॉम S21 FE।
इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो S23 FE अभी लॉन्च हो रहा है वो एक्सिनॉस के साथ लॉन्च हो रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि हम इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। देयर सेइंग कि बैटरी है दैट इज़ 4500 mAh। आई मीन इट्स फाइन, इट्स नॉट बिग, बट इट इज़ मोर अबाउट कि इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करा हुआ है, क्योंकि बैटरी उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। देयर सेइंग कि वॉच आवर्स, अगर आप यू कैन वॉच एनी कंटेंट अप टू 22 आवर्स, और यू कैन लिसन अप टू 69 आवर्स, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। और जो इसके अंदर आपको बेसिक फीचर्स दिए जा रहे हैं वो हैं One UI, स्मार्ट स्विच, सैमसंग नॉक्स। सैमसंग नॉक्स बेसिकली आपका हार्डवेयर वॉल्ट होता है, तो इसके अंदर आपका जो डेटा है वो और भी ज़्यादा सिक्योर होता है। स्मार्ट स्विच का मतलब हो गया कि अगर आप अपने फ़ोन को चेंज कर रहे हो, मतलब अगर आप आईफोन से सैमसंग में आ रहे हो या फिर किसी दूसरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन से सैमसंग में स्विच कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा वो। One UI, आपको पता ही है कि One UI इज़ बेस्ट UI नाउ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, इतने ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं One UI के अंदर कि इट इज़ अ गेम चेंजिंग UI नाउ। और उसके बाद अगर हम इसके इसके अपडेट्स की बात करें, तो प्रॉब्ली आप 3 ईयर्स की आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाली है और 4 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाली है। ऑलराइट, सो अब हम कंपेयर करते हैं S23 FE को 21 से और 20 FE से। S23 FE थर्ड जनरेशन है FE डिवाइसेस की। S23 का प्राइस अमेजोन पे इस टाइम पे जो लिस्टेड है वो है 59,000, अराउंड 60 का, बट आप इसको अराउंड 45,000 के आसपास ले सकते हैं। 49,000 का ये आई थिंक सैमसंग की वेबसाइट पे प्री ऑर्डर करने पे मिल रहा है। अगर आप किसी कार्ड का यूज़ करते हो तो आप इसको अराउंड 45,000 में ले सकते हो। S21 FE इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डील राइट नाउ, क्योंकि ये आपको अराउंड 29,000 का मिल रहा है अमेजोन की सेल पे, जो सेल आने वाली है उस। और जो S21 FE मिल रहा है 29,000 का, और S20 FE मिल रहा है अराउंड 22,000 का सेल में, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द सेल प्राइजेस। अब बात कर लेते हैं मेन डिफरेंसेस हैं। S23 FE के डायमेंशन के बारे में बात करें, सो दिस विल बी बिटवीन S20 एंड S21 FE। और इसका जो वेट है, दैट इज़ 209 ग्राम्स, मतलब कि ये सबसे भारी एफ ही फ़ोन है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ग्लास ग्लास बैक का यूज़ करा है, एज वेल एज़ इन्होंने इसके अंदर एलुमिनियम फ्रेम का यूज़ करा है, मतलब एलुमिनियम फ्रेम इन्होंने सभी के अंदर यूज़ करा है, बट जो ग्लास बैक है वो केवल हमको इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। एक अच्छी चीज़ वो ये है कि जो फ्रंट और बैक दोनों के अंदर हमको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जबकि अगर हम बात करें सैमसंग S21 FE, उसके अंदर हमको गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने के लिए मिलता है। तो विक्टस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्रोटेक्शन। इनको S23 FE के अंदर ग्लास विक्टस देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया। बट अगर इसको S20 FE से कंपेयर करें, सो इट इज़ स्टिल बेटर, क्योंकि उसके अंदर हमको गोरिल्ला ग्लास 3 देखने के लिए मिलता है। पोर्ट्स, सेम पोर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको सेम स्लॉट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो अगर हम इसकी रेटिंग के बारे में बात करें, सो दिस इज़ IP68 रेटिंग। तीनों के तीनों फ़ोन के अंदर हमको IP68 की रेटिंग मिलती है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो हमको यहाँ पे AMOLED 2X मिलता है। सेम चीज़ हमको गैलेक्सी S21 FE के अंदर भी मिलती है AMOLED 2X, बट S20 के अंदर हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो जो पीक ब्राइटनेस है इसकी, दैट इज़ 1415 nits। उसके बाद अगर हम साइज़ देखें फ़ोन का, सो दैट इज़ 6.4 इंचज़। और अगर हम इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करें, तो वो 83.2% है। अगेन दिस इज़ डिक्रीज फ्रॉम S21 FE, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86.7% है। अब अगर हम इसके चिपसेट के बारे में बात करें, तो इसके अंदर हमको एक्सिनॉस 2200 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है। अगर हम इसको कंपेयर करें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 से या 865 से, जो कि हमको S20 एंड S21 FE में मिलते हैं, तो जो 865 और 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है, 888 5 नैनोमीटर पे बना हुआ है, और जो एक्सिनॉस 2200 वो 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है। मतलब अगर हम केवल स्पेक्स पे जाके बात करें, हमको लगेगा कि एक्जिनॉस वाला बेटर होगा, क्योंकि वो 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, बट ऐसा नहीं है। एक्जिनॉस के जो प्रोसेसर हैं, दे आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड, दे आर नॉट गुड। और अगर हम मतलब एक जो बहुत ज़्यादा फेमस टेस्ट यूट्यूब पे आप देखोगे, तो लोग क्या करते हैं, S21 FE एक्जिनॉस वाले को स्नैपड्रैगन वाले S20 से कंपेयर करते हैं। और अगर आप उसको स्कोर देखोगे, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखोगे, बैटरी टेस्ट देखोगे, या फिर नॉर्मल डे टू डे यूज़ में अगर आप ऐप लोडिंग स्पीड देखोगे, तो S20 विद स्नैपड्रैगन
बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू एक्जीनोस 2100 जो कि 5 नैनोमीटर पर बना हुआ है, जबकि स्नैपड्रैगन 865 7 नैनोमीटर पर बना हुआ है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर मतलब दिस कैन बी अ डील ब्रेकर थिंग लोगों के लिए कि उनको एक्जीनोस के साथ नहीं जाना, उनको केवल स्नैपड्रैगन जाना है, के साथ जाना है, स्नैपड्रैगन लेना है। और इसके अंदर जब इस फ़ोन के अंदर जब स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आएगा जो कि अभी केवल USA के अंदर लॉन्च होगा, ये इतनी गंदी चीज़ है कि मतलब सैमसंग हमेशा क्या करता है कि इनिशियली जो वो मॉडल्स लॉन्च करता है इंडिया के अंदर उसके अंदर एक्जीनोस डाल के दे देता है और USA के अंदर स्नैपड्रैगन। भाई मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ये पार्शियलिटी हम दे रहे हैं वैसे राइट, वहाँ पे भी इतने का बिक रहा है, यहाँ पे भी इतने का बिक रहा है, तो क्यों नहीं दे रहे तुम उनको स्नैपड्रैगन। और अब इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि पहले एक्जीनोस के साथ भेज देंगे, उसके बाद फिर स्नैपड्रैगन के साथ भेजेंगे, सो विच इज़ वेरी वेरी बैड। उसके बाद चलो ठीक है, ये तो बात हो गई। तो मतलब मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसके साथ जा सकते हो, वरना S21 FE इज़ स्टिल अ बेटर ऑप्शन। आपको 30,000 के आसपास मिल जाएगा। अब यहाँ पे GPU के अंदर आप देखो इसने क्या करा है, एड्रीनो ये USA के अंदर दे रहा है, बाकी में एक्लिप्स दे रहा है, विच इज़ मतलब अगर आप फिर स्पेक्स के साथ जाओगे तो आपको लगेगा कि एक्लिप्स बेटर है, बट नहीं है। मतलब ये पेयर होना चाहिए क्वालकॉम और एड्रीनो का। अगर मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे हमको कार्ड स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता, आप एक्सटर्नल कार्ड नहीं लगा पाओगे इसके अंदर। मेमोरी की बात करें तो वो 128 और 8, 256 और 8 वेरिएंट के साथ आएगा। अगर हम मेन कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, इसके अंदर OIS आता है, मतलब सबके अंदर OIS आता है, तो उसमें कोई इट्स नॉट अ बिग डील। देखो इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट करा है वो केवल मेन सेंसर में करा है, इसको उन्होंने 50 मेगापिक्सल का बना दिया है, ठीक है, 24 mm वाइड है, जबकि जो पुराने फ़ोन के जो सेंसर्स हैं हमारे मेन सेंसर वो 26 mm वाइड हैं। 2 mm से आपको लग नहीं रहा होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, बट मतलब इट्स अ विजिबल डिफरेंस जब आप फोटो लेते हो। जो अपर्चर है वो सेम है, एंड दे आर सेइंग कि इन्होंने नाइटोग्राफी को बेटर कर दिया है, सो नॉट श्योर, मतलब इन्होंने हार्डवेयर तो इम्प्रूव करा नहीं है, तो ये जो नाइटोग्राफी बोल रहे हैं वो प्रॉब्ली सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ऑप्टिमाइज करके ये इमेज प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्योंकि अपर्चर हमारा अभी भी सेम है, अगर अपर्चर ये कम कर देते लेट्स से 1.6 तो हमारी जो फोटोज़ हैं वो थोड़ी बेटर आती। अब यहाँ पे आप एक चीज़ फिर से देखिए कि जो जो हमारा टेलीफोटो है उसके अंदर भी हमारी जो जो विड्थ है फ़ोटो की राइट, वो कम कर दी गई है, अपर्चर सेम ही है सारी जगह पे। जो पहले टेलीफोटो आता है आई थिंक उसके अंदर भी OIS अवेलेबल था, तो प्रॉब्ली यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है बट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 3x, हम जितनी भी पुरानी जनरेशन से सब में हमको 3x मिला है, तो अगर ये इसको 5x कर देते तो ये बहुत बेटर चीज़ बन सकती थी। जो अल्ट्रा वाइड है हमारा उस के कैमरे के अंदर भी कोई ऐसा कोई कोई भी चेंज नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि अगर आप अपर्चर देखोगे तो वो 2.2 है, यहाँ पे भी साथ में 2.2 है। और अगर आप विड्थ की बात करोगे ना, मतलब अल्ट्रा वाइड यहाँ पे 123 डिग्रीज़ का है, यहाँ पे भी 123 डिग्रीज़ का ही है। तो अगर आप जब इनके कैमरा सैंपल्स देखोगे तो जो आपको विजिबल डिफरेंस दिख रहा होगा वो आएगा एक तो मेन कैमरा से, और दूसरा अगर वो टेलीफोटो या फिर अल्ट्रा वाइड की बात कर रहे हैं तो इट इज़ जस्ट कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है वो उस फोटो को एनहेंस कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जो इनका हार्डवेयर वो इन्होंने सेम ही रखा हुआ है। अब एक चीज़ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये फ़ोन 8K 24 FPS पे शूट कर सकता है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि ना तो 21 FE और ना ही 20 FE शूट नहीं कर सकते 8K में। सो इट्स अ वेलकमिंग चेंज। अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे देखो कि 20 FE के अंदर जो सेल्फी कैमरा आता था वो आता था 32 मेगापिक्सल्स का राइट, 21 FE के अंदर भी जो सेल्फी कैमरा था वो था 32 मेगापिक्सल्स का, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने कर दिया 10 मेगापिक्सल। मतलब आई नो कि मेगापिक्सल्स इतने मैटर नहीं करते, बट आप मेरे को एक बात बताओ कि आपने यहाँ पे अपर्चर को इंक्रीज क्यों कर दिया है भाई। मतलब अगर आप इस कैमरे से नाइट टाइम पे फोटो लोगे तो वो कंपेयर्ड टू दीज फोटोज मतलब दीज कैमराज अच्छी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपर्चर इन्होंने बढ़ा दिया, मतलब कम करते तो वेलकमिंग चेंज होता, भाई ये क्यों कर रहे हो तुम। उसके अलावा तो आई एम नॉट रियली श्योर कि फ्रंट कैमरा किस तरीके से इन्होंने इम्प्रूव करा है, कि मतलब जो अभी कैमरा सैंपल्स हमको देखने पड़ेंगे तभी जाके हम उस चीज़ पे कुछ मतलब दिस इज़ नॉट अ इम्प्रूवमेंट एट ऑल मैन। 10 10 मेगापिक्सल का आप कैमरा दे रहे हो कंपेयर टू तुम्हारी पुरानी सीरीज़ के,
और अभी इस टाइम पे सबसे महंगा एफी फोन होगा, राइट, एफी लाइनअप पे। तो दिस इज जस्ट नॉट गुड एट ऑल। 3.5 mm का जैक हमको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता। इट इज़ द सेम थिंग पुराने फोन्स में भी हमको नहीं देखने के लिए मिला है। गुड थिंग ये है कि ब्लूटूथ हमारा 5.3 में अपग्रेड हो गया है। बाकी जो वाईफाई है उन्होंने 6E पे अपग्रेड कर दिया है। इट्स अ गुड थिंग, वेलकमिंग चेंज। जो बैटरी है वो तीनों एफ ई सीरीज जितनी भी अब तक आई हैं वो सारी की सारी 45 mAh के साथ आई हैं, तो ये भी उन्हीं के साथ आ रहा है। और जो चार्जिंग टाइप है वो PD 2.0 है, तो मतलब 50% ये 30 मिनट्स के अंदर हो सकता है। इस फ़ोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी और साथ के साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी। तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को आप अपने ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप अपने फ़ोन। अगर हम इसकी सार वैल्यूज़ के बारे में बात करें, जो हेड की सार वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बॉडी वाली कम इन्होंने रखी हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। अब एक और इंटरेस्टिंग कंपेयर कर लेते हैं हम इसको कंपेयर करते हैं S23 से। और दोस्तों हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है गैलेक्सी S23 FE को और राइट हैंड साइड में रखा है गैलेक्सी S23। अब हम इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या मेजर चेंज है, राइट में। आप सबसे पहला जो यहाँ पे चेंज नोटिस करोगे कि वो इसका जो वेट है, दैट इज़ 168 ग्राम्स। बहुत बहुत हल्का फ़ोन है ये। और जो जो इसके अंदर हमको ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है वो ग्लास विक्टस 2 का मिलता है, और इसके अंदर हमको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का। यहाँ पे एक तो हम देख सकते हैं कि कॉस्ट कटिंग करी गई है। एक ये चीज़ उन्होंने रिमूव कर दी है कि इसके अंदर हमको आर्मर एल्युमिनियम ग्लास फ्रेम मिलता था, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि इसकी जो नॉर्मल ब्राइटनेस है दैट इज़ 1200 निट्स, और जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो है 1750 निट्स, जबकि जो S23 FE की पीक ब्राइटनेस है वो है 1450 निट्स। बॉडी टू स्क्रीन रेशियो भी यहाँ पे कम है। S23 का बॉडी टू स्क्रीन रेशियो ज़्यादा है, दैट इज़ 86%। प्रोटेक्शन जैसे कि हमने उसके बारे में बात कर ली, हमको यहाँ पे S23 के अंदर हमको मिलता है ग्लास विक्टस 2 और यहाँ पे हमको मिलता है ग्लास 5। USA वाला वेरिएंट है, उसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 मिलता है। जो S23 है वो हमको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ मिलता है, विच इज़ अ अनबीटेबल प्रोसेसर। इवन इफ वी कंपेयर विद 2200 या फिर 8 Gen 1, सो दैट इज़ देयर। जो यहाँ पे GPU है वो एड्रीनो 740 मिलता है। मेमोरी की अगर हम बात करें तो हमको S23 FE के अंदर हमको UFS 3.1 ही देखने के लिए मिलने वाली है। कैमरा का अगर आप देखो, कैमरा सेटअप के अंदर मेजर चेंज है यहाँ पे। ऑल राइट गाइस, सो दिस वाज दी एनालिसिस एंड रिव्यू फॉर गैलेक्सी S23 FE। अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और भी ज़्यादा अनबॉक्सिंग नए प्रोडक्ट्स की आपके लिए लेके आ पाएँ, और इस तरीके की कंपैरिजन और एनालिसिस वाली वीडियो फ्रिक्वेंटली आप तक पहुंचा पाएँ। धन्यवाद।